दोस्तों आज हमारे पास है 2023 मॉडल रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 जो कि गन मेटल ग्रे है। आज हम इसके बारे में जानने वाले डिटेल्स हैं एंड सब कुछ आपको बताने वाला हूँ इस बाइक के बारे में। जो भी डाउट होगा सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ टाइम लगाते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं, साथ में प्राइस की बात करेंगे, वो मैं आपको आगे क्लियर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं। फ्रंट से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाले, सबसे पहले आपकी नज़र पड़ेगी इसकी हेडलाइट पे। हेडलाइट आपको इसमें देखने को मिल जाएगी हैलोजन, जिसमें आपको विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है रात के समय में। मैं आपको ऑन करके हेडलाइट दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपको पायलट लैंप मिल जाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। ये भी आपको हैलोजन बल्ब मिल जाते हैं। और हेडलाइट मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके पायलट लैंप ऑन हो चुके हैं। हेडलाइट ऑन करने के लिए आपको इंजन भी ऑन करना पड़ेगा। अभी हम ऑन कर लेते हैं इसको किल स्विच एंड देन वेयर। इसकी हेडलाइट ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी। मैं आपको हाई बीम ऑन करके दिखा देता हूँ। ये रहा हाई बीम एंड लो बीम, हाई बीम लो बीम। अभी इसको हम ऑफ कर देते हैं यहाँ से एंड की से। सो आ जाते भी हम फ्रंट में। सो आप देख सकते हो फ्रंट से ओवरऑल ये बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली। ये रहे इसके मिरर जो कि आपको स्टाइलिश मिलने वाले, जो कि कुछ ऐसे रहने वाले। बाकी का हैंडल बार ये कुछ ऐसे दिखने वाला है। और नीचे आते हैं इसके सस्पेंशन पे नज़र डालें तो ये आपको मिल जाता है टेलीस्कोपिक, जिसे अच्छे तरीके से कवर किया है ताकि आपका सस्पेंशन खराब ना हो एंड आपको बार बार रिपेयर करने की जरूरत ना पड़े। और अभी रियर सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। रियर में आपको मिल जाएगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर, जिसे आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपकी हाइट हो, जैसे आपको राइड करना हो। यहाँ पे आपका नंबर प्लेट लगने वाला। और ये रहा इसका फ्रंट का मडगार्ड जो कि आपको मेटालिक मिल जाता है गन मेटल ग्रे कलर में, जो कि मैट फिनिश के साथ में आता है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके टायर के बारे में। टायर की बात करें तो आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे, जिसकी साइज आपको फ्रंट में मिलने वाले 100/90 का। और टायर की बात करें तो आपको C8 बैंड के टायर मिलने वाले हैं। और अभी हम रियर का टायर देख लेते हैं। ये रहा रियर का टायर। रियर का टायर आपको वाइडर मिल जाएगा फ्रंट के कंपैरिजन में। आपको टायर साइज रियर में मिलने वाली 120/80 सेक्शन का। अभी हम इसके व्हील की बात कर लेते हैं। अगर हम इसके व्हील की बात करें तो आपको एलॉय व्हील मिलने वाला, जिसकी साइज आपको फ्रंट मिल जाएगी 19 इंच, और रियर में आपको मिलने वाली है 18 इंच की। एंड व्हील के ऊपर आपको स्टिकर वर्क देखने को मिलेगा ब्लू कलर का, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और हम बात कर लेते हैं इसके ब्रेक के बारे में। आपको डुअल डिस्क मिल जाता है, साथ में आपको मिल जाएगा डुअल चैनल ABS। सो आपको इस बाइक में ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छा मिल जाता है। पिन टू पिन आपका ब्रेक लगने वाला है, सो आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है। सस्पेंशन पे आप देख सकते हो आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा दोनों तरफ, इससे आपकी जो बाइक की विजिबिलिटी है आपकी कॉर्नर पे अच्छी खासी हो जाती है एंड एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड आपको बाइब्रे के ब्रेक कैलिपर मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छा ब्रांड होता है। सो ओवरऑल इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। अभी बात कर लेते हैं यहाँ के जो कि मेन इसका इंजन है। आप देख सकते हो अभी आपको फुली ब्लैक कलर में इंजन मिलने वाला, जो कि बहुत अच्छा लगा। पहले आपको सिल्वर कलर के साथ मिलता था, अभी आपको ब्लैक कलर के साथ मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल ये रहा इसका इंजन। अभी हम इसके इंजन के बारे में जान लेते हैं। इसके इंजन की बात करें तो आपको मिलने वाला 349.34 cc का, जिसमें आपको पावर मिल जाएगी 20.21 PS एट 6100 RPM पे, और आपको टॉर्क मिल जाएगा 27 Nm एट 4000 RPM पे। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर फर्स्ट स्टॉक एयर कूल्ड EFI और साथ में आपको मिल जाएगा 5 V-speed गियरबॉक्स। आपको काफी दमदार इंजन मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। और ये रहा यहाँ पे आपको हॉर्न मिल जाएगा, आपको इसमें सिंगल हॉर्न मिल जाएगा, लेकिन काफी अच्छा लाउड आपको आवाज मिलने वाला है। और इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। एंड प्रोटेक्ट करने के लिए इंजन को देखो ऐसा कुछ लगाया गया है, जो कि काफी खूबसूरत सा लग रहा है। और ये आपके फ्रेम में ही आने वाला है। ये रहा इसका ब्रेक पैड, अच्छी खासी आपको ग्रिप मिल जाती है रबर फिनिश के साथ में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ये रहा आपका राइडर फुटेज, रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी अच्छी क्वालिटी के साथ में आपको मिलने वाला है। और सो इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। और टैंक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको टैंक पैड मिल जाएगा साइड में लेग सपोर्ट के लिए। जब आप ज्यादातर लॉन्ग राइड करते हो तो वो टैंक क्या होता है मेटल का है, तो गर्मी हो जाती है एंड हीट हो जाता है एंड आपके पैर जलने लगते हैं। रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि मैट फिनिश में काफी खूबसूरत सा लग रहा है। और टैंक के बारे में आगे हम डिटेल से जानने वाले हैं। और यहाँ की बात करें, यहाँ पे आपको टूल बॉक्स मिलने वाला है। क्लासिक 350 की ब्रांडिंग मिल जाएगी, वो भी आपको ब्लू कलर के स्टिकर के साथ में, जैसा कि आपके अलॉय व्हील पे देखने को मिलता है। एंड की से आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे। और ओवरऑल इधर से कुछ ऐसे दिखने वाला है। ये रहा आपका पिलियन राइडर फुटरेस्ट, जो कि फोल्डेबल मिल जाता है, अच्छी खासी ग्रिप मिल जाती है। डिटेल वर्क बहुत अच्छा किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और साइलेंसर जो कि कुछ ऐसे रहने वाला है। एंड बाइब्रे के बैक कैलिपर इधर से कुछ ऐसे दिखने वाला है। ये व्हील सस्पेंशन आप देख सकते हैं क्रोम एंड ब्लैक कलर के साथ में, जो कि मैट फिनिश रहेंगे। और इधर से एक फ्रेम गार्ड भी दिया गया, पहले शायद नहीं आता था, अभी अभी ये आने लगा है। और सीट का
बिल्कुल आप देख सकते हो इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। अभी हम देख लेते हैं इस बाइक का फुल व्यू। सो ये रहा इस बाइक का फुल व्यू। ये बाइक लेफ्ट साइड से कुछ ऐसे दिखने वाली, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैं आपको इतना क्लियर नहीं दिखा सकता, लेकिन आगे मैं आपको क्लियर दिखाने वाला। और अभी हम चलते हैं इसके टेल सेक्शन की बात कर लेते हैं, रियर से बाइक कैसे दिखने वाली है। सो रियर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली, यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी एंड टेल लैंप आपको हैलोजन बल्ब मिलने वाला है। ये मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखने वाला है। इंडिकेटर भी आपको हैलोजन बल्ब मिल जाता है। नंबर प्लेट यहाँ पर रहेगा। ये सारा पार्ट आपको मेटेलिक मिलने वाला है। ये आपको फाइव ओवर के साथ में मिलने वाला है। सो रियर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। आ जाते हैं इसके राइट साइड से देख लेते हैं बाइक कैसे दिखेगी। राइट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाले। यहाँ पे आपको सारी गार्ड मिल जाएगा विद लेडीज फुटर्स, जैसे आपको हमेशा रॉयल एनफील्ड क्लासिक बाइक में देखने को मिलता है। एंड सस्पेंशन आप देख सकते हो, चैन ड्राइव ये कुछ ऐसे दिखने वाली है। और यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाएगा, बैक कैरी कर सकते हो या फिर डुअल स्टैंड पे लगाने में भी इससे आसानी होती है। तो इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। आपका पिलियन राइडर फुटर जैसे हमने उधर देखा था, एंड सेम जैसे हमने उधर देखा था वैसे ही आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी क्लासिक 350 की। इधर आपका रहने वाला है टूल बॉक्स या फिर बैटरी बॉक्स रहने वाला है। सो इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली। टैंक पैड एंड रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इंजन इधर भी आपको पूरा ब्लैक कलर के साथ मिलने वाला है। ये आपका गियर पैड। गियर बॉक्स की बात करें तो आपको 5 मिलने वाले, पहला आपका नीचे लगेगा बाकी के 4 ऊपर लगने वाले हैं। एंड ये आपका राइडर फुटरेस्ट। एंड यहाँ पे आपको साइड स्टैंड, डुअल स्टैंड एंड साथ में आपको साइड स्टैंड नियर कट ऑफ सेंसर मिल जाएगा। ये रहा इस बाइक का फुल व्यू। ये बाइक राइट साइड से कुछ ऐसे दिखने वाली। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं ये बाइक आप लोग कैसी लगी, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अभी हम इसके सीट कम्फर्ट, फ्यूल टैंक एंड मीटर कंसोल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके ग्रैब रेल की बात कर लेते हैं। आप चाहो बैकरेस अलग से एज एसेसरीज लगवा सकते हो, जो कि काफी कंफर्टेबल रहने वाला है पिलियन राइडर या राइडर के लिए। और सीट की बात करें काफी स्टाइलिश दी गई है एंड कंफर्टेबल ही बहुत है। बहुत अच्छी आपको कुशनिंग मिल जाती है, एकदम सोफे वाली फीलिंग आपको आने वाली है अगर आप इस पे बैठोगे तो। चाहे राइडर की बात करें या पिलियन राइडर की बात करें, बहुत अच्छा कम्फर्ट आपको मिलने वाला है इस बाइक में। मुझे अब की रॉयल एनफील्ड की सीट बहुत ज्यादा अच्छी लगी पहले के कंपेरिजन में। बहुत अच्छी आपको कम्फर्ट मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आपको सेम कलर का स्ट्रेचिंग भी दिया गया, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये बाइक बनी है चाहे आप शॉर्ट राइड करो या लॉन्ग राइड करो, सिटी में चलाओ या फिर हाईवे में चलाओ, कहीं पे चलाओ, बिना प्रॉब्लम बिना सोचे समझे आप इस बाइक को ले जा सकते हो। अभी बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में। इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको मिलने वाला है 30 लीटर का फ्यूल टैंक, जिसकी माइलेज मेरे हिसाब से आपको मिल जाएगी 35 के आसपास, बाकी डिपेंड करता है आप चलाते कैसे हो। दोनों तरफ आपको टैंक पैड मिल जाएंगे, जिससे आपको लेग सपोर्ट अच्छा हो जाएगा एंड प्रॉब्लम नहीं होगी लॉन्ग राइड करने में। और ये आपका फ्यूल कैप देख सकते हो, ये सब आपको मेटेलिक मिलने वाला है। एंड अभी हम बात कर लेते हैं इसके की के बारे में। ये रेस की आपको कुछ ऐसे की मिल जाती है, काफी स्टाइलिश है। और ऑन कर लेते हैं मीटर कंसोल। सो मीटर कंसोल ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे आपका स्पीड बताएगा, बाकी के इंडिकेटर यहाँ पे आपके शो होने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो आपका इंजन ऑयल लो फ्यूल इंडिकेटर बताएगा, इंजन माल फंक्शन लाइट ABS, और ये आपका बताएगा बैटरी का, इधर ये आपका न्यूट्रल का बताएगा, और ये आपका फ्यूल का बताएगा, ऑडोमीटर बताएगा। सो इतनी सारी आपको जानकारी इसमें मिलने वाली है। यहाँ पे आपको नेविगेशन ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वो एज आ एसेसरीज लगने वाला है, उसके लिए आपको शोरूम पे विजिट करना पड़ेगा। और अभी हम बात कर लेते हैं इसके रेसिंग हैंडल बार के बारे में। आपका टोटल हो गया ब्रेक लीवर, यहीं पे आपका किल स्विच सेल्फ का ऑप्शन यहीं पे साथ में मिलने वाला, जो कि काफ़ी स्टाइलिश दिखता है। साथ में आपको मिल जाता है पार्किंग लाइट, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है, मुझे अच्छा लगा। एंड सिंगल पीस में आपको रेसिंग हैंडल बार मिल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही लुक इन्हेंस कर देता है ये हैंडल बार, आप देख सकते हो ब्लैक कलर में। पहले आपको क्रोम वर्क के साथ में हैंडल बार देखने को मिलता था, लेकिन अभी आपको ब्लैक कलर मैट फिनिश में देखने को मिलेगा। और इधर के स्विचेस की बात करें, आपका अपर डिपर हो जाएगा, या आपका इंडिकेटर हॉर्न, यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन के स्विच मिल जाएगी। आप स्विच देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड ये आपका हो जाता है क्लच लीवर। मिरर का व्यू आपको कुछ ऐसे मिलने वाला है। अभी हम इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं। विड्थ आपको मिल जाएगी 785 mm की, लेंथ है इसकी 2145 mm, हाइट है 1090 mm, फ्यूल टैंक आपको मिल जाएगा 30 लीटर का, सेडल हाइट है 805 mm, ग्राउंड क्लियरेंस आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा इसमें 170 mm का, और इसका व्हील बेस है 1390 mm का, और इसका वेट आपको मिलने वाला है 195 kg। सो दोस्तों आप लोगों ने जाना रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में, जो कि 2023 मॉडल है। अभी हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। गन मेटल ग्रे की प्राइस आपको ऑन रोड मुंबई की पड़ने वाली है 2,56,000 के आसपास। इस शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बाकी सारी डिटेल वहाँ पर मिलने वाली है। आप कॉल भी कर सकते हो, विजिट भी कर सकते हो। अगर आपको अपने स्टेट का प्राइस जानना है तो आप लोग स्टेट का नाम कमेंट में बताओ, मैं उसका ऑन रोड प्राइस आप लोगों को बता दूंगा, जिधर से भी होगे। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो सारी स्टेट की प्राइस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।